Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start users of accounting information and their needs, or we can say parties interested to their accounting information, right? Basically, we are having two kinds of users. First one is internal users and the second one is external users. देखो, आपको name से पता चल रहा होगा कि internal का मतलब क्या है और external users का मतलब क्या है, है ना? Internal users means जो आपके within the ऑर्गेनाइजेशन है या फिर विदिन द बिजनेस है आपके, राइट? और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? जो कि आउटसाइड द बिजनेस है. ठीक है, मतलब ऐसे यूजर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्रेजेंट है, वो सभी यूजर्स क्या होते हैं? आपके इंटरनल यूजर्स, है ना? देखो, नॉर्मली आप जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, अब अकाउंटिंग जो आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी ना किसी से तो कम्युनिकेट करेंगे ना आप, ऑब्वियसली. तो आप जिन्हें कम्युनिकेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अब किस यूजर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, मीन्स उनकी नीड्स क्या है, हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो हमने क्या करा, फर्स्ट है आपके यूजर होते हैं इंटरनल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, राइट? इनको इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है? फॉर द स्मूथ एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ बिजनेस, ताकि ये बिजनेस को स्मूथली और एफिशिएंटली कंडक्ट कर सके विदाउट फेसिंग एनी ऑब्स्टेकल्स. ठीक है, अब आपके इंटरनल यूजर्स में कुछ आपके यूजर्स है, लाइक आपके डायरेक्टर्स हैं, पार्टनर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स. इन सब का मोटिव एक ही होता है कि हम अपने बिजनेस को स्मूथली और एफिशिएंट मैनर में क्या कर सके, कंडक्ट कर सके, रन कर सके. ठीक है, मेन आपके आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स. देखो, एक्सटर्नल यूजर्स ऑब्वियसली जो जिनका या तो कोई प्रेजेंट या फिर कोई फ्यूचर इंटरेस्ट जुड़ा होता है आपके बिजनेस के साथ. ठीक है, या तो कोई प्रेजेंट या फिर कोई फ्यूचर इंटरेस्ट जुड़ा होता है इनका आपके बिजनेस में से. ठीक है, देखो, फर्स्ट आता है इनका ऑनर. अब एक चीज बताओ, एक ऑनर क्यों जानना चाहेगा कि हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स वो देख, अब देखो जिस पर्सन ने पैसा लगाया है ना, अब वो ये भी तो देखना चाहेगा ना कि मुझे कितने प्रॉफिट्स हुए हैं, मेरी फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, साउंडनेस है कि नहीं, हमारी क्रेडिट वर्थीनेस क्या है, राइट? तो आपके ऑनर्स इसलिए देखना चाहते हैं कि उन्होंने जो पैसा लगाया भी है क्या वो वर्थफुल है, क्या वो उन्हें रिटर्न्स अच्छे दे रहा है, अगर दे रहा है तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कितना बेटर रिजल्ट है. तो ये सब की इन्फॉर्मेशन के लिए ऑनर्स को क्या चाहिए होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. सेकेंड आता है आपका इन्वेस्टर्स. देखो, दो वर्ड्स हैं आपके, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स तो वो होते हैं जिन्होंने आपके बिजनेस में ऑलरेडी पैसा लगाया होता है, मीन्स ये आपके प्रेजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं. बट इफ यू टॉक अबाउट द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल वर्ड किससे ड्राइव है आपका, ये कि क्या मीनिंग होता है, फ्यूचर से रिलेटेड है ना. तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मीन्स अभी आपके इन्वेस्टर्स नहीं है, बट हो सकता है अगर इनको आपके बिजनेस की स्टेटमेंट्स अच्छी लगे तो ये आपके फ्यूचर में इन्वेस्टर्स बन सकते हैं. अभी आपके इन्वेस्टर्स नहीं है, बट फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि आपके इन्वेस्टर्स बन सकते हैं. ठीक है, चलो, अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि इन्वेस्टर्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में. देखो, आज तो उन्होंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ओके है, बट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के बाद वो ये डिसीजन लेते हैं कि क्या मुझे इसी बिजनेस में, इसी कंपनी में फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है या नहीं. क्या हम फ्यूचर में सेम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या रिटर्न्स अच्छे आएंगे या फिर पहले से भी डाउन हो जाएंगे. तो यही रीजन है कि इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, राइट? अब पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, देखो आप खुद अपने आप एग्जांपल हो, अगर आपने कहीं पे पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या चीज देखते हो कि मेरे रिटर्न्स कितने मिलेंगे, मुझे कितने टाइम बाद मिलेंगे, क्या श्योरिटी है कि रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, जाना चाहेंगे ना. ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं भी बिना कुछ मतलब जाने पहचाने आप फटाफट से इन्वेस्ट कर दो, ऐसा तो नहीं होता. तो जो आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर अभी बने नहीं है, बट वो आपकी कंपनी के स्टेटमेंट्स देखना चाहते हैं, सो दैट वो डिसीजन ले पाए कि मुझे पर्टिकुलर फॉर्म में, पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना. ठीक है,
देन आपके होते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होती हैं? ऐसे पर्संस या कोई भी फर्म हु सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू द बिजनेस ऑन क्रेडिट। जो भी पर्सन या जो भी फर्म या कंपनी कोई भी कह लो, जो आपके बिजनेस को सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पर, मींस उधार पर जो सामान देता है ना, क्रेडिटर्स। हमने अगर आपको याद हो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में हमने अकाउंटिंग टर्म्स करी थी, उसमें आया था आपका क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो आपको सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, है ना। अब क्रेडिटर्स ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि उन्होंने आपको उधार पर सामान देना है, तो वो भी तो अपनी श्योरिटी चाहेंगे ना कि क्या आप उधार पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्या आप इतने कैपेबल हो, क्या आप इतने सॉल्वेंट हो कि आप फ्यूचर में ही सही बट उनकी पेमेंट कर पाओ। तो यही जानने के लिए आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेंडर्स कौन होते हैं? देखो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं आपके, ठीक है, जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, देखो अब क्या आपका बिजनेस सिर्फ क्रेडिट पर गुड्स एंड सर्विसेज लेता है? नो, ऑफकोर्स उन्हें फाइनेंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। फाइनेंस के लिए वो कहां जाते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जाते हैं। सपोज हम मान के चलते हैं बैंक है, ठीक है, बिजनेस बैंक के पास गया, लोन लेना है उन्हें सपोज 2 लाख रुपीज, ठीक है। अब क्या आप बैंक के पास गए एज अ बिजनेस मैन, आपने बोला जी मुझे 2 लाख रुपीज का लोन चाहिए, आपने कुछ भी दे दिया रीजन कि मुझे बिजनेस को एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, कुछ भी, ठीक है, व्हाटएवर। तो क्या आपका बैंक आपको बिना कुछ भी चेक करे, क्रॉस चेकिंग करे, आपको डायरेक्ट लीगल दो जी 2 लाख रुपीज, अपना काम करो, ऐसा होता है क्या? ऑफकोर्स नो। तो बैंक भी इंटरेस्टेड होता है ये चेक करने में कि इनकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। आई रिपीट, क्रेडिट वर्दीनेस मीन्स क्या वो आज उधार लेंगे तो क्या वो फ्यूचर में पेमेंट कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। तो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए लेंडर्स आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। देन आता है आपका एम्प्लॉयज। देखो एम्प्लॉयज को क्यों चाहिए होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? सो दैट उन्हें पता चल सके कि हमारे बिजनेस में कितने प्रॉफिट्स हैं, कितने लॉसेस हैं, अकॉर्डिंगली वो फिर क्या करेंगे, अपनी वेजेस, सैलरीज, बोनस, इन सबकी डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देन आता आपका गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होती है भाई? गवर्नमेंट का एक ही रोल है टैक्स, है ना। अब टैक्स आपका दो तरह का है, यहाँ पे मेनली यूज हो सकता है या तो आपका इनकम टैक्स, ठीक है, या फिर आपका जीएसटी। तो इन दोनों के लिए वो ये देखती है आपकी गवर्नमेंट कि जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या आपके प्रॉफिट्स कितने हैं, आपके कितने लॉसेस हैं, आपकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितना टैक्स बनता है, क्या आप उतना टैक्स पे कर रहे हैं वो या फिर नहीं कर रहे, ये सभी इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिसर्चर। अब देखो रिसर्चर कौन होता है? स्कॉलर्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऑपरेशंस पे रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली ना ये सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। अगर कोई रिसर्चर है, कोई रिसर्च स्कॉलर है, अगर उसकी जो रिसर्च टॉपिक है वो ये है कि मुझे चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे ऑपरेट करते हैं, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, फाइनेंशियल आपके जो भी बिजनेसेस होते हैं वो कैसे ऑपरेट करते, कैसे रन करते अपने बिजनेस को, है ना, तो उनके लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी है आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो बहुत यूजफुल हो जाती है, क्लियर। और लास्ट वन आता है आपका पब्लिक। अब देखो जनरल पब्लिक क्या होती है? आम जनता, है ना, लोकल पब्लिक बोलते हो। अब पब्लिक आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्यों इंटरेस्टेड होती है? सो दैट वो ये देख पाए कि हमें इस पर्टिकुलर बिजनेस से क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। मीन्स देखो बिजनेस कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, राइट। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा या फिर हम बोल सकते हैं बिजनेस सीएसआर कितना कर रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना कर रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सब चेक करने के लिए पब्लिक आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट दिखाती है, ठीक है। देखो आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, इसी को आप पार्टीज इंटरेस्टेड भी कहते हैं। कि आपके जो अकाउंट्स बना रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी पार्टीज है जो इंटरेस्ट दिखाती है। दो पार्टीज है बेसिकली, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स।
इंटरनल में आपके कुछ पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। इनका मेन क्या मोटिव होता है ये चेक कर पाए कि क्या हमारा बिजनेस स्मूथली एंड एफिशिएंटली कंडक्ट हो रहा है या फिर नहीं। देन आते हैं आपके कुछ एक्सटर्नल, लाइक आपके ऑनर्स हैं। ऑनर्स क्यों देखते हैं? ताकि उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चले और उनके फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में पता चले, ठीक है। इन्वेस्टर्स क्यों देखते हैं? ताकि उन्हें पता चल सके कि आपकी कंपनी कितने प्रॉफिट्स है, कितने लॉसेज हैं, सो दैट वो डिसीजन ले पाए कि क्या मुझे फ्यूचर में भी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। देन आपका आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम क्रेडिट, वो आपकी क्रेडिट वर्थिनेस को चेक करते हैं कि क्या आप इतने कैपेबल हैं, क्या आप इतने सॉल्वेंट हैं कि उनके जो भी आपने अमाउंट लिया है क्रेडिट पर, कि जो गुड्स लिए हैं क्या आप उन्हें रीपे कर सकते हैं। देन आता है इम्प्लॉयज। इम्प्लॉयज इंटरेस्टेड होते हैं सो दैट वो अपने हाई वेजेस की डिमांड कर सके, हाई या एक्स्ट्रा बोनस की डिमांड कर सके। देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रोल होता है टैक्स को देखना। रिसर्चर्स, रिसर्च क्या करते हैं? रिसर्चर्स का काम क्या होता है? न्यू न्यू फाइंडिंग्स ढूंढना, है ना। अगर किसी रिसर्चर का या रिसर्च स्कॉलर का कोई टॉपिक है कि उसने फाइनेंशियल ऑपरेशंस को देखना है ना, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन लास्ट आता है आपका पब्लिक। पब्लिक बेसिकली ये देखते हैं कि जो बिजनेस है वो आपको कितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके दे रहा है, एंड देन सीएसआर के बारे में देखते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टेड और बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.